गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। चार साहिबजादों की शहादत सिख इतिहास का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है और उनकी शहादत के अवसर को याद किया जाता है और सिख समुदाय द्वारा दिसंबर महीने में बड़े जोश और बहुत दुख के साथ याद किया जाता है। चार साहिबजादे सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चार पुत्रों के लिए प्रिय रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। 22, 23 और 26 दिसंबर 1704 ईस्वी को घटी घटनाएं वे दिन हैं जो दुनिया भर के सिखों के लिए बहुत दुख भरी यादें हैं। गुरु साहिब, चारों साहिबजादे, माता गुजरी कौर, गुरु के माहिल, पांच पंच प्यारे और कुछ 100 सिख 20 दिसंबर 1704 की सर्द रात में रोपड़ की ओर आनंदपुर साहिब से रवाना हुए। 20-21 दिसंबर की मध्य रात्रि में मुगलों ने प्रतिज्ञा भंग की और आनंदपुर साहिब से लगभग 25 किलोमीटर दूर सरसा नाले पर एक स्थल पर गुरु के प्रवेश पर हमला किया। गुरु का परिवार अलग हो गया और टूट गया। यह स्थान अब परिवार विछोरा के रूप से जाना जाता है और गुरुद्वारा साहिब भी उनके सम्मान में गुरुद्वारा परिवार विछोरा साहिब के रूप में बनाया गया है। गुरु का माहिल भाई माणे सिंह दिल्ली की ओर चल पड़ा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने दो बड़े साहिबजादे, पांच पंच प्यारे और 40 सिखों के साथ चमकौर की ओर बढ़े और 21 दिसंबर की दोपहर को वहाँ पहुंचे। प्रसिद्ध चमकौर युद्ध, जिसे चमकौर साहिब की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, खालसा के बीच लड़ी गई लड़ाई थी जो 22 दिसंबर को हुई थी और पुराने साहिबजादे, जिन्हें वड्डा साहिबजादे कहा जाता है, उन्होंने शक्तिशाली और बहुत अच्छी तरह से लड़ते हुए शहादत प्राप्त की। उनकी आयु मात्र 18 और 14 वर्ष की थी। दोनों बड़े साहिबजादों ने, तीन पंच प्यारों और 40 सिखों ने 10 लाख मजबूत शक्तिशाली मुगल सेना से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अगली सुबह शेष सिख मुगल सेना द्वारा शहीद हो गए। लड़ाई के दौरान गुरुजी के दो सबसे छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी और उनकी दादी माता गुजरी जी बाकी सिखों से अलग हो गए। एक पूर्व नौकर गंगू, जो कि कश्मीरी पंडित थे, वह उनके साथ थे और उन्होंने सुझाव दिया कि वह उनके साथ उनके गांव चलें, परंतु उस नौकर ने उनके विश्वास को भंग कर दिया और पैसे के लालच में मुगलों को उनके ठिकाने का खुलासा कर दिया। मुगलों ने घर में आकर उन्हें बंदी बना लिया। तीनों को ठंडा बुर्ज में कैद कर दिया गया। सर्द सर्दियों में सोने के लिए कोई चटाई नहीं थी, बस उनके बिस्तर के रूप में पुआल के तार थे। बेटों को उस राज्य के गवर्नर वजीर खान के पास लाया गया। वजीर खान बादशाह औरंगजेब की दूरदर्शिता में विश्वास रखता था। वजीर खान ने साहिबजादों से कहा कि अगर वे इस्लाम में परिवर्तित हो गए तो वह उनकी जान बख्श देंगे। इतनी कम उम्र और किशोर उम्र में भी दोनों साहिबजादे खालसा पंथ के लिए दृढ़ रहे और इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया। नतीजन वजीर खान ने आदेश दिया कि उनके चारों ओर एक ईंट की दीवार खड़ी कर दी जाए। 27 दिसंबर 1704 को सरहिंद के सर जमीन में एक जघन्य और क्रूर अपराध किया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे बेटों को छोटा साहिबजादे का नाम दिया गया था, जिनकी उम्र मात्र 6 और 9 वर्ष की थी। उन्हें मुगलों द्वारा एक साथ शहीद कर दिया गया। माता गुजरी कौर अपने नन्हे पोतों के शहीद होने का सदमा सहन नहीं कर सकी और उसी दिन यह समाचार पाकर वह भी स्वर्ग लोक को चल पड़ी। यह स्थान फतेहगढ़ साहिब पंजाब में स्थित है और जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया, वहां आज गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब जी स्थित है। सतनाम श्री वाहे गुरु।